खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में। जी हाँ, जहाँ बाबा साहब की सबसे बड़ी मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश प्रभारी भी यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने फूल अर्पण करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाहर बहुत शोर हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर बाबा साहब के नारे लग रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के नारे लग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के ही बैनर तले यहाँ पर आज प्रेरणा स्थल में ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या हो रहा है। बाबा साहब की पुण्यतिथि पे आज बीएसपी ने यहाँ नोएडा में जो बहुजन प्रेरणा स्थल है यहाँ पर एक प्रोग्राम श्रद्धांजलि दिवस आयोजित किया है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज का जो ये आपने कार्यक्रम किया है इसका क्या उद्देश्य रहा है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरे जीवन बहुजन समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनके विषय में बताना, पूरे समाज को जागृत करना, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का हमारा कार्यक्रम था जो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से आयोजित किया गया। जी, आज पार्लियामेंट में एक नारा ये भी लगा था कि मोदी टाटा बाय बाय, तो क्या मोदी को हटा करके आप बहन जी को 2019 में प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखिए, पूरा बहुजन समाज तैयार हो चुका है, पूरा देश तैयार हो चुका है और पूरा देश का विपक्ष तैयार हो चुका कि मोदी जी को जवाब देने के लिए मायावती जी ही सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और वो ही देश को संभाल सकते हैं। जी, सीपी सिंह जी, आप भी चुनाव में गए हुए थे, वहाँ ग्राउंड जीरो पे भी आपने काम किया और बसपा को आगे लाने का काम किया, क्या वहाँ से हमारी सीटें आ पाएंगी? मुझे अभी बहन कुमारी मायावती ने मध्य प्रदेश में भेजा था, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ और कांशीराम साहब ने सबसे ज़्यादा अपने पल अपना समय वहाँ लगाने काम किया है, मैंने वहाँ जाकर देखा है कि वहाँ पर जनमानस तैयार हो चुका है और एक ही आवाज़ वहाँ नज़र आई है कि इस बार हर कीमत पर बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और वहाँ के लोगों, हम लोगों ने भी वहाँ पर जाकर लोगों से कहा है कि ये इस बार जो दायित्व है ये मध्य प्रदेश पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव वर्तमान स्थिति में हुआ है तो ये सेमीफाइनल है और फाइनल 2019 में है, तो उन लोगों ने वादा किया है कि हम लोग अपना तन मन धन देकर इस बार मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे या बैलेंसिंग पावर में रहेंगे और हम बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, यह ऐसा उन्होंने वादा किया है। और मुझे भी लगता है वहाँ पर जो ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, सब समाज के लोग इस बात के लिए तैयार थे कि भाई हम इस बार एक ही लक्ष्य, यदि इस देश के अंदर मोदी को कोई प्रश्न कर सकता है तो एकमात्र नेता जिसका नाम बहन कुमारी मायावती है। सर, मध्य प्रदेश में आप और हमारे प्रभारी साहब जो महेश आर्य जी हैं वो दोनों ही और जिम्मेदारी संभाल रहे थे, कौन कौन से जोन आपके पास थे, कौन कौन सी मुख्य विधानसभाएं थी? उधर हम लोगों के पास सतना रीवा एक सेक्टर बनाया गया, जोन बनाया गया था जिसे बहन जी ने डिवाइड करने का काम किया था, तो वहाँ प्रभारी जी और हम लोग के पास 39 सीट थी, तो उधर हम लोग भी दो हिस्से में बटे हुए थे, एक तरफ मान लो पहले साथ चले जब शुरू में गए थे, उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भी हम लोग अलग अलग जाएंगे तो ज़्यादा मतलब काम होगा, तो वहाँ पर रीवा जोन, सतना जोन और उधर सिंगरौली जोन, छतरपुर जोन, कटनी जोन और ये सारा मतलब क्षेत्र हमारे पास था, तो उसमें हम लोगों ने जाके वहाँ देखा कि वहाँ पहले भी हमारे दो विधायक थे, सिटिंग विधायक हैं, और इस बार भी वहाँ पर कम से कम भी 15-20 सीट नेक टू नेक फाइट में। सर, आप अपने क्षेत्र में ज़मीन पर कार्य कर रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वहाँ 2 अप्रैल का जो मुद्दा है और SC ST एक्ट को लेकर वहाँ जो अपर कास्ट वोटर है वो भी थोड़ा नाराज़ है और खासतौर से सपाक्स ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, तो आपको लग रहा है कि भाजपा का उतना वोट कट पाएगा और वो बसपा की तरफ आएगा, कांग्रेस की तरफ ना जाके? देखिए, उनका जो अलग है, दो जो अप्रैल का जो घटना घटी थी उसको लेकर के, वो हमारे एक्ट के खिलाफ हैं, हमारे मूवमेंट के खिलाफ हैं, वो लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पराजित किए हुए सपाक्स पार्टी है और उन्होंने ये प्रयास किया है कि जो भाजपा से या सरकार से खिलाफ हैं वो सपाक्स में चला जाएगा, वो विपक्ष में न जा करके बसपा को या कांग्रेस को न जाके और वो अलग चला जाएगा सपाक्स में और वो अपना काम कर लेंगे, इसलिए उनके षड्यंत्र के तहत सपाक्स को खड़ा किया गया। अच्छा, फिर भी क्या देखते हैं आप, किस तरह का रिजल्ट आ सकता है, कितनी सीटों पे दावेदारी मजबूत रहेगी? बहुजन समाज पार्टी की पूरे प्रदेश में बहुत बढ़िया तरीके से 229 सीट पर लड़ी है और 229 सीटों में मैं समझता हूँ कि जो हम लोग जो देख रहे थे करीब 39 सीटों में से 15-20 सीट ऐसी हैं जो हम सीधे सीधे फाइट में हैं। मुझे उम्मीद है कि अब की बार बेहतर रिजल्ट होगा, उत्तर प्रदेश, वो मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्टेट बनेगा बहुजन समाज पार्टी के लिए। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र चौधरी सुरेंद्र जी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। सर, दिल्ली को लगातार काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिम्मेदारियां बदली जा रही हैं और
बीच में हमारे प्रभारी महेश आर्य जी भी चले गए थे, तो अब आपको लगता है कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, चारों तीनों राज्यों के संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए नई रणनीति बनेगी कोई क्या? माने बहन जी समय समय पर जो रणनीति बनाने का काम करती है उसको क्षेत्र में अपने लोगों को बताने का जो निर्देश करते हैं उसको लागू करवाने का काम करते हैं। महेश आर्य साहब आज ही प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं और इधर हमारे सीपी सिंह साहब भी इधर काम देख रहे हैं, तो हम सब लोग मिलकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और हम आशा करते हैं कि हम बेहतर अच्छा रिजल्ट इस बार हम 2019 में भी देंगे और 2020 में भी देने का हम करेंगे। और आज बाबा साहब के महाप्रमाण दिवस पर आज बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने आकर इस बात की शपथ ली है उनके महाप्रमाण दिवस पर कि हम माननीय बहन जी को 2019 में देश का प्रधानमंत्री बनाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस पुण्यतिथि पर हम निश्चित तौर से नमन करेंगे। बहुजन समाज पार्टी आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें तो चुनौती दिल्ली प्रदेश के सामने बड़ी आ गई है, क्योंकि जो वोट प्रतिशत हमारा आम आदमी पार्टी की तरफ गया उसने हमें बड़े न्यूनतम स्तर पर ला दिया है दिल्ली की अगर हम बात करें तो। अब इसको कैसे उठाया जाएगा और युवाओं के कुछ सम्मेलन के अभी कुछ कार्यक्रम चल रहा है किस तरह का? अभी बहुजन समाज पार्टी युवाओं को भी निश्चित तौर से भागीदारी देने का काम कर रही है और मैं आपको अच्छी तरह बताना चाहता हूँ, अभी जो पीछे जो नगर निगम का जो चुनाव हुआ है उसमें हमने तिगुना वोट इसमें किया है, पीछे 1.6 हमारा रह गया था विधानसभा में, और जो पार्षद का चुनाव उसमें 4.5% वोट हुआ, 4.6 हमें मिला है, लेकिन हम वादा करते हैं कि अब या हम केजरीवाल को उखाड़ के फेंकेंगे वो कांग्रेस को तो टिकने ही देंगे और भारतीय जनता पार्टी की धूल उड़ा देंगे हम, और निश्चित तौर से जिधर आपको दिखाई देगा हाथी हाथी दिखाई देगा, हाथी चिंगाड़ेगा और देश की संसद में जाएगा, प्रदेश की विधानसभा में जाने का काम करेगा। इस तरह हाथी पूरी तरह से दौड़ रहा है और आगे की तरह अपनी तरफ पूरे हास हवास के साथ चल रहा है, तो हम सब जोश लेकर आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महाप्रमाण से पूरी ताकत लेकर हम जा रहे हैं, फिर हम यहाँ दोबारा 14 अप्रैल को आएंगे और एक नए संदेश देने का काम किया जाएगा यहाँ से। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। सर थोड़ा उनको भी यहाँ ले लेंगे, थोड़ा सा सर आगे आ जाइए प्लीज, थोड़ा सा और थोड़ा पीछे लो, थोड़ा सा बस इधर हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए।